हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहल राय और आप सभी का स्वागत करती हूं एक ऐसे शो में जिसमें है नॉलेज, अवेयरनेस, पॉजिटिविटी और सबसे खास बात यानी कि उम्मीद, उम्मीद यानी होप। वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है कैंसर होप। दोस्तों, कैंसर एक डर है और डर पर काबू पाया जा सकता है। इसके लिए जरूरत होती है हौसले की और हौसला हमें मिलता है उम्मीद से। वेल, ये कहते हैं हमारे जाने माने एक्सपर्ट। कैंसर की दुनिया में सालों तक इन्होंने रिसर्च की है और पाया है कि एक रास्ता तो जरूर है जिंदगी की ओर। वेल, आज उन्हीं से रूबरू होते हैं और जानते हैं डिटेल में कि कैंसर पर मात कैसे दी जा सकती है। वेल, ही इज नन अदर देन प्रोफेसर डॉक्टर अनवर आमिर अंसारी जी। प्रोफेसर डॉक्टर अनवर आमिर अंसारी एक समर्पित टीचर और पेशेंट्स के चहेते हैं, जिन्होंने 30 सालों के अनुभव द्वारा क्लासिकल होम्योपैथी और मॉडर्न कॉन्सेप्ट को कोलैबोरेट किया और अपनी रेवोल्यूशनरी रिसर्च से इजाद किया ट्रीटमेंट का बायो साइको सोशल मॉडल, जिसकी हेल्प से आज इनऑपरेबल और लास्ट स्टेज कैंसर से जूझ रहे तमाम लोगों को नया जीवन मिला है। अपनी अद्भुत रिसर्च के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में सम्मानित डॉक्टर अंसारी को अब तक अनेक अवार्ड से नवाजा गया है। डॉक्टर अंसारी का एक ही मिशन है, खतरनाक बीमारियों के आतंक को चुनौती देना और कैंसर के खौफ का सफाया करना। नमस्कार डॉक्टर अनवर साहब, वेलकम टू कैंसर होप। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम डॉक्टर अनवर साहब से जनरल कैंसर्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी कैंसर से जुड़ा कोई सवाल हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस शो के दौरान भी अगर आपके जहन में कोई सवाल उठता हो तो उसके लिए भी आप डॉक्टर अनवर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। डॉक्टर अनवर साहब, मेरे जहन में एक सवाल है कि कैंसर, क्या इसका मतलब होता है लाइफ कैंसर? ये आमतौर पर एक धारणा है। देखिए, हकीकत है कि जो कैंसर जो है एक बड़ी गंभीर बीमारी है और इसीलिए पूरी दुनिया की जो पूरा गवर्नमेंट्स है, एनजीओस है, इसके पीछे पड़ी है। आसान तो नहीं है, लेकिन ये सोचना कि मतलब कैंसर अगर हो गया तो लाइफ कैंसर, मैं ये नहीं मानता। उसकी वजह ये है, ये जो सोच की कि कैंसर के ताल्लुक से इतना बड़ा हवा क्रिएट किया गया, खड़ा किया गया है और इतना डर पैदा कर दिया गया है लोगों के जहन के अंदर कि उनके पास में ये सोचने के अलावा कोई चारा ही नहीं है कि आज अगर खुदा ना खास्ता आज किसी को जब ये मिलता है कि परवाना मिल जाता है भाई कि भाई आपको कैंसर हो गया, कंफर्मेशन होता है, तो वहाँ टाइम पे उसकी पूरी जान निकल जाती है। वो डर ही बहुत बड़ा हो जाता है। जी जी, वो डर ही खुद एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देता है जहन के अंदर कि आदमी सोचने में मजबूर हो गया क्योंकि माहौल के अंदर ऐसा किया गया, अरे कैंसर। तो ये जो भय क्रिएट किया गया है और ये भय में लोग सब मुफ्तिला है। आपकी एक बात वाकई में हम सबने जहन में रखनी चाहिए कि आखिरी सांस तक जिंदगी बाकी है। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ में अब कॉलर्स हमसे जुड़ना चाहते हैं तो शुरुआत करते हैं आज के पहले कॉल के साथ। जी, हेलो। हेलो, नमस्कार, कैंसर होप में आपका स्वागत है। हाँ नमस्कार, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? जी, मैं नरेश कोटे मुंबई से बोल रहा हूँ। नरेश जी, अभी मैं आपकी बात करने जा रही हूँ डॉक्टर अनवर साहब से। हाँ फरमाइए नरेश जी, क्या क्या सवाल जी? है? मेरे पिताजी को 2014 में पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ। कहाँ का? माउथ का। ओके, उसके बाद हमने उनका ऑपरेशन किया जी। एक साल भर वो अच्छे रहे जी। उसके बाद फिर उसी जगह पर वापस कैंसर का ट्यूमर हुआ जी। फिर हमने उनको बड़ा ऑपरेशन करा किया और रेडिएशन दिया जी। रेडिएशन के बाद फिर एक 6-8 महीना अच्छे गए, फिर उनको कैंसर का ट्यूमर डिटेक्ट हुआ जी। अच्छा, ये उसमें जो रिपोर्ट आई है जी, वो मैं आपको बताता हूँ। सार्कोमटाइड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जी, इनवेसिव स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ग्रेड 3 करके रिपोर्ट में आया है जी। जी, अब मुझे आप ये बताइए, हाँ, पहले गाल के अंदर हुआ था कि थ्रोट में? हाँ, कहाँ पे हुआ था? नहीं, अंदर, गाल के अंदर की तरफ। ओके, उसके बाद में जो गांठे जो आई है वो कहाँ पर? गर्दन में आई है, नेक में आई? हाँ, फिर एक बार गर्दन में आई थी लेकिन अंदर की तरफ से थी जी। भी जो लास्ट बार हुआ है उसमें अंदर भी है और बाहर भी एक गांठ आई है, थोड़ी के जैसी।
नरेश जी देखिए, ये जो आपने जो आपके पिताजी की या आपके रिश्तेदार की जो दुविधा बताई है, ये आपकी हाँ? अकेली अपनी नहीं है हाँ? आम तौर पे बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं उनके साथ में भी वही होता है हाँ? जिस तरह का आपके साथ में हुआ है हाँ? सर्जरी कराया, रेडिएशन लिया, फिर ऑपरेशन वापस से कराया, रिकरेंस होते रहता है। तो इसकी वजह, बुनियादी वजह क्या है कि हमने समझ लिया है कि सर्जरी, रेडिएशन या कीमो, यही जो है कैंसर का इलाज है। हमारे हिसाब से हाँ। हमारे रिसर्च में जो सामने जो खुलकर आई है और हाँ। जो हमने बार बार देखा है हाँ। कि माइंड जो होता है, जहन जो होता है हाँ। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉज है हाँ। जिसके वजह से इमोशंस, जो इमोशन जो होते हैं जिसका असर हम पे होता है हाँ। वो जो है एक जड़ बनती है। तो हम जो अप्रोच करते हैं कि वो क्या क्या चीजें हुई है उनके साथ में हाँ। उसको अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं हाँ। कि क्या वजह है, क्या ऐसी बात हुई है हाँ। जो कि इसने ये जड़ पैदा की है, तो हम उस तक गहराई तक पहुंचते हैं हाँ। और उसका हम जो रेजोल्यूशन करते हैं हाँ। दवाइयों के जरिए जो कि एनर्जी बेस्ड है। तो इसके लिए हमें ये चाहिए और हमारा अप्रोच भी यही है। हम हाँ। वो देखते हैं कि जड़ क्या है, जड़ शुरू कहाँ से हुई है, क्या इमोशनल फैक्टर्स थे, उसके असरात क्या हुए, हम इवेल्युएट करते हैं। हम हमारे हर केस में कम से कम 1-1.5 घंटा हमारे असिस्टेंट देखती है हाँ। उसके बाद में 1/2 घंटा-1.25 घंटा हम देखते हैं हाँ। ये समझने के लिए जड़ क्या है, और उसके हिसाब से जब दवा देते हैं तो उसका जो रेजोल्यूशन हो जाता है मेंटल लेवल के ऊपर होता है और वो हमको इम्यून थेरेपी, इम्यून सिस्टम के ऊपर दिख कर आता है। तो हमारा अप्रोच ऐसे ही है। होम्योसाइको ऑन्कोलॉजी का हमने जो अप्रोच जो दिया है हाँ। वो यही है कि किस तरह से हम लोग ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इतने लोग पीड़ित थे कैंसर से, हम क्या करें ऐसा कि किस तरह से मतलब लोगों को मतलब उसको रिलीफ मिले और पीस मिले। तो ये सब चीजें जो है एक कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। माइंड इज द मेन इम्पोर्टेंट प्लेयर, तो आपको उसको असेसमेंट करना जरूरी है। बाकी हाँ। सब सेकेंडरी है, तो हमको जड़ पर काम करनी पड़ेगी, तब जाके वो बीमारी पूरी जड़ से खत्म हो सकती है। बराबर, हमसे जो भी पॉसिबल हो सकता है हमारे जो अप्रोच से, बिल्कुल सर हम कोशिश पूरी करेंगे हाँ। जितना हद तक कि आपके डैडी को हम जो फायदा पहुंचा सकते हम लोग कोशिश करेंगे पूरी की पूरी। ये मेरा कमिटमेंट है आपसे। ठीक है सर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके डैडी मेरे पास में आएंगे तो एकदम ठीक ही हो जाएंगे, लेकिन जो अभी कंडीशन है उससे बेहतर हो सकती है, मैं बोल सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नरेश जी फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू। दोस्तों, आज डॉक्टर अनवर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है, वो ऐसी कि जिंदगी की आखिरी सांस तक, जिंदगी तो बाकी है ना। कैंसर से बेशक लड़ाई मुमकिन है जब तक हमारी सांस है। दोस्तों, अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो कैंसर से जुड़ा हुआ, या आपके शरीर में या आपके परिवार में किसी को भी कैंसर आ चुका है अंदर, तभी भी उसका इलाज मुमकिन है। हार मत मानिए। इस शो के दौरान या इस शो के बाद भी आप डॉक्टर अनवर साहब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। प्लीज डू कॉन्टैक्ट अस। वेल डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। सवाल कुछ ऐसा है कि बायोप्सी और बाकी के जो जांच होती है, टेस्ट्स होती है, क्या वो जरूरी है कैंसर डिटेक्ट करने के लिए? अच्छा सवाल किया आपने जी। अब देखिए, कैंसर का कंफर्मेशन कैसा होता है? कैंसर का कंफर्मेशन अगर 110% करना है जी, तो वो बायोप्सी है जी। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं जिससे आपको 95-98% ये हो सकता है कि कैंसर है। ओके। फॉर एग्जांपल सीटी स्कैन है, एमआरआई है हाँ। इससे अंदाजा हो जाता है कि मतलब कि ये केस कैंसर का हो सकता है 95%, 100%। और अमूमन जो हम जो देखते हैं कि मतलब कि ये जो इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं, पैट स्कैन हो गया और अपना सीटी स्कैन हो गया या एमआरआई, इससे अंदाज़ा ब्रॉडली मिल जाता है। लेकिन कन्वेंशनल मेडिसिन के अंदर किस टाइप का कैंसर है, क्या ग्रेड का है, वो मालूम करने के लिए बायोप्सी ज़रूरी होती है, क्योंकि उनको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना होता है। यानी डॉक्टर साहब, हम क्या ये कह सकते हैं कि 100% अश्योरिटी के लिए बायोप्सी और बाकी के टेस्ट जरूरी है? बिल्कुल। दोस्तों, आज डॉक्टर अनवर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है, वो ऐसी कि जिंदगी की आखिरी सांस तक, जिंदगी तो बाकी है ना। कैंसर से बेशक लड़ाई मुमकिन है जब तक हमारी सांस है। दोस्तों, अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो कैंसर से जुड़ा हुआ, या आपके शरीर में या आपके परिवार में किसी को भी कैंसर आ चुका है अंदर, तभी भी उसका इलाज मुमकिन है। हार मत मानिए।
इस शो के दौरान या इस शो के बाद भी आप डॉक्टर अनवर साहब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। प्लीज डू कॉन्टैक्ट अस। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमसे आज जुड़ना चाहते हैं, तो अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल, गो अहेड जी। हेलो। हेलो, नमस्कार, वेलकम टू कैंसर हो। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम आसिफ खान है जी। जी आसिफ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बॉम्बे से बात कर रहा हूँ, मुंबई। आसिफ जी, अभी मैं आपका कॉल जोड़ने जा रही हूँ डॉक्टर अनवर साहब से, आप उनसे अपना क्वेश्चन पूछिएगा। जी जी, फरमाइए आसिफ जी। हाँ डॉक्टर साहब, मैं आसिफ बात कर रहा हूँ बॉम्बे से। जी जी जी, मेरी आंटी है, उनकी उम्र तकरीबन 55 साल के लगभग होगी। ओके। अभी 4-5 महीना पहले उनको उन ब्रेस्ट में कुछ लंप वगैरह था जी, तो डॉक्टर के पास जांच के लेके गए, उन्होंने पूरा जांच वाच कराए, तपास कराए और बताया कि इनको ट्यूमर है, कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर। तो उसके बाद उनका उन्होंने बोला कि एडवाइस है कि आप सर्जरी करो और कीमोथेरेपी कराओ जी। तो हमने उनका सर्जरी भी कराया, कीमोथेरेपी भी कराया जी। अब 2-3 महीने से उनको दूसरे भी ब्रेस्ट के अंदर गांठ वापस से फॉर्म हो गई जी। अब दोबारा उन्होंने अब वापस से फिर सर्जरी किया, फिर कीमो करा, फिर सर्जरी करा, और इस बार सर्जरी का और कीमो का खर्चा काफी उन्होंने बताया कि तकरीबन एक सीटिंग का तुम्हारे को 1,25,000 रुपए खर्चा आएगा और 6-7 सीटिंग लगेगी आपको जी सर्जरी के बाद। अब प्रॉब्लम यह है कि अभी ऑलरेडी पेशेंट ट्रॉमेटाइज हो गया, ट्रॉमेटाइज है जी, 6 महीने पहले सर्जरी का है, काफी खर्चा उन्होंने किया है जी। तो इसके बावजूद भी अभी हमने उसको पूछा इसके बाद वापस से दोबारा अगर होगा कि नहीं होगा तो बोले उसकी कुछ गारंटी वगैरह कुछ भी नहीं जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे डॉक्टर साहब कि आपके पास ऐसा कोई इलाज ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में, मैं देखा आपका इंटरव्यू तो उसके अंदर कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जो पेशेंट को फायदा कर सके और कॉस्ट भी अपना सेविंग हो सके, दोनों भी काम हो सके? ये आमतौर के ऊपर ऐसा होता है, जो आपकी जो आंटी होगी उनको बहुत सारे ब्रेस्ट का जो ताल्लुक है, मतलब कि स्ट्रेस घर के स्ट्रेस से ज्यादा है, तो जो पॉसिबल जो रिकर्स भी जल्दी हुआ तो ये लेवल पर माइंड पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। अभी कीमोथेरेपी आपने किया, ऑपरेशन पहले कर चुके, फिर कीमोथेरेपी किए, रिकरेंस होने के चांस इसलिए है कि मतलब वो चीज़ मेंटेन्ड है आपकी। ये जो अभी बगैर ऑपरेशन के चूँकि आपने करा दिया है, कीमोथेरेपी की आपने बात किया कि भाई चांसेस कितने हैं, तो कीमोथेरेपी के बाद में फिर से रिलैप्स उनका होने का चांस है। तो ये हो सकता है कि अगर आप कीमोथेरेपी कराना चाहते भी हैं उसके साथ साथ में अगर आप हमारा इलाज कराएंगे तो उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, लेकिन कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट और जो प्रॉब्लम आ सकते हैं उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि कीमोथेरेपी का जो इफेक्ट टेम्पररी है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब ने वहाँ पर बताया कि कीमोथेरेपी से भी आपको ना वापस से डेथ हो सकता है, ऐसा 100% मतलब फुल उन्होंने बताया नहीं, क्या उन्होंने बोला कि ट्रीटमेंट चालू करने बाद भी आपको डेथ हो सकता है? कीमोथेरेपी के असरात बहुत ज़्यादा खराब है, आम मामूली बात नहीं है, तो इसीलिए एक सोशल प्रॉब्लम है, ये डिसीजन सोशल डिसीजन है कि मैं कराऊँ या नहीं कराऊँ। तो मैं आपको मशवरा दूंगा, आपके घर वालों के साथ में बैठ के बात कीजिए कि भाई क्या करना है और हमारा जो अप्रोच है हमसे क्या हो सकता है, फायदा हो सकता है, मैं आप वो भी मैं कर सकता हूँ साथ में। तो ये पक्की बात है कि अगर आप कीमोथेरेपी कराएं तो भी हमारी दवा फायदा कर सकती है, आप ना कराएं तो भी दवा फायदा कर सकती है, डिसीजन लेना आपके हाथ में। दोनों साइमल्टेनियसली हम लोग करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। अच्छा। बल्कि हम ये भी कर सकते हैं कि जो साइड इफेक्ट जो हो रहे कीमोथेरेपी के हम उसको भी कवर कर सकते हैं दवाइयों से। अच्छा। हमारे पास में एक रेंज ऑफ दवाइयां हैं जिससे हम ना सिर्फ कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स बल्कि कीमोथेरेपी की जरूरत भी ना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। ओके डॉक्टर जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, शुक्रिया आसिफ जी। दोस्तों, कैंसर के बहुत सारे अलग अलग उपाय है, उपचार है, लेकिन हर उपचार का एक ही रिजल्ट होना चाहिए, वो है एक सेहतमंद जिंदगी। लेकिन ये अमूमन तौर पर देखा गया है कि ये मुमकिन नहीं हो पाता। डॉक्टर अनवर साहब के पास में लेकिन इसका एक रास्ता जरूर है। आप इस शो के दौरान या इस शो के बाद भी डॉक्टर अनवर साहब से दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हो सकता है कि अभी इस शो के दौरान नंबर्स बिजी आए, लेकिन इसके बाद भी आप इन्हीं नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, सो प्लीज डू कॉल अस। डॉक्टर अनवर साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। अभी आपने आसिफ जी से कहा था कि कीमोथेरेपी के बाद भी इलाज मुमकिन है जी। तो मैं यही जानना चाहती थी कि कीमोथेरेपी या फिर सर्जरी या फिर रेडिएशन जैसी चीजों के बाद भी क्या कैंसर का इलाज मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है स्नेहल जी। हमारे जहन में ये घुस गया है या घुसाया गया है जी कि सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन के बाद में तमाम रास्ते बंद। एग्जैक्टली, क्योंकि ये सारी चीजें होने के बाद में सारे पेशेंट्स यही सोचते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, सब कुछ तो हम कर बैठे। ये हरफ आखिर नहीं है जी।
मैं खास तौर पे अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. उसके बाद में भी आपको होम्योसाइको ऑन्कोलॉजी जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसके जरिए रास्ते मौजूद हैं. आपको अगर आपने ये करा चुका है और हार चुके हैं तो पहले तो आपको हारना नहीं है, आपको उम्मीद रखनी है, उम्मीद अभी बाकी है और आपको फाइट करना है. रास्ते आपके पास मौजूद है, बहुत सारे रास्ते हैं जो इन सब के बावजूद में भी आपको ठीक कर सकते हैं. होम्योसाइको ऑन्कोलॉजी हमारे नज़र में और हमारे तजुर्बे में ऐसा एक रास्ता है कि हमने खराब खराब जो एंड टर्मिनल केसेस जो थे सब कुछ करा लिया, ऑपरेशन करवा लिया, इनके बावजूद में भी वापस हम कुछ कर सकते हैं, ऐसा हमने बहुत बार देखा है. और ऐसे केसेस भी बाहर आए हैं, नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे भी है. सो डॉक्टर अनवर साहब, आपकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट टुवर्ड्स कैंसर क्या होती है? देखिए कि एक सिंपल अप्रोच है मेरा, वो जड़ के ऊपर काम करते हैं. जड़ को हम तरजीह देते हैं कि हम जड़ पर कैसे काम करें. इसीलिए हमने हमारी जो होम्योसाइको ऑन्कोलॉजी के जरिए हम पहले जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इसके अंदर जड़ क्या थी, और हम वो जड़ के ऊपर दवा देते हैं. डायनेमिक मेडिसिन. तो ये जड़ कैसे जानी जाती जी है? वो जैसे मैंने बताया आपको कि हमारे नजदीक कॉज माइंड है, इमोशंस है. वो इमोशन टर्मोइल क्या क्रिएट हुआ है इंसान की जिंदगी में, जिसने ये सब चीजें पूरे दिमाग के ऊपर, सोच के ऊपर, पूरे आपके आपकी हैसियत के ऊपर पूरा इतना असर कर दिया है ताकि आपको इतनी बड़ी बीमारी दी है. तो क्या वजूहत थे, हम उनको असेसमेंट करते हैं. हमारे एक मखसूस तरीका हमारा है केसिंग का, जिसमें हमारी असिस्टेंट पहले उसको एक डेढ़ घंटा देकर समझते हैं, फिर हम उसमें आधा पौना एक घंटा हम देते हैं ताकि समझते हैं कि भाई पेशेंट की ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ है, ऐसा कौन सा वाक्य आया हुआ है इसका इतना असर उसके ऊपर हो गया. तो ऐसे बहुत सारे इमोशंस है जो कि आज के रिसर्च के अंदर ये पाए गए हैं, क्योंकि माइंड इज द कॉज ऑफ डिजीज. तो हम जो है माइंड को टारगेट करते हैं, और दवाई जो देते हैं हमारी होम्योसाइको ऑन्कोलॉजी में वो भी माइंड के ऊपर देते हैं, ताकि माइंड के जरिए जब ये इफेक्ट अगर हो डायनेमिक लेवल के ऊपर तो चेंजेस क्रिएट होती है जिससे इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होता है. तो इसलिए हमारा एक ये है एक फिक्स्ड अप्रोच है कि माइंड जो है ये सब बुनियादी वजह है, और बाकी सब जो बीमारी की वजह बताई जाती है कन्वेंशनल मेडिसिन में वो सेकेंडरी है. थैंक यू सो मच डॉक्टर अनवर साहब, आज आपने जितनी भी डिटेल में हमें जानकारी दी है जनरल कैंसर्स के बारे में, आई एम 100% श्योर कि हमारे सारे दर्शक अपने विवेक से इस जानकारी का उपयोग करेंगे. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. थैंक यू स्नेहल, थैंक यू व्यूअर्स, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. सो दोस्तों, देखा आपने, कैंसर एक लाइलाज बीमारी बिल्कुल भी नहीं है, कैंसर को मात दिया जा सकता है, और ये साबित किया है डॉक्टर अनवर साहब ने. डॉक्टर अनवर साहब और इनकी पूरी टीम आपके सेवा में हमेशा तत्पर है. ये रहे हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स. हमारा पता है डॉक्टर अनवर आमिर क्यूरेटिव होम्योपैथी, 29/30 पटेल आर्किड, फर्स्ट फ्लोर, केडी टावर, 233/234 बिलासिस रोड, मुंबई सेंट्रल, 400008. हमारे फोन नंबर्स हैं 02-2300-4757, 02-2300-5757 और 9930950750. हमारी ईमेल आईडी है dranwaramir@gmail.com. हमारी वेबसाइट है www.dranwaramir.com. सो दोस्तों, मैं स्नेहल राय चाहती हूँ आप सभी से इजाजत. दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी यही इसी शो में जिसका नाम है कैंसर होप, क्योंकि उम्मीद अभी बाकी है. जानेंगे डॉक्टर अनवर साहब से कि कैंसर को कैसे मात दिया जा सकता है. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है.